मेरा नाम ललिता रावत है, मैं BA लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास सोशोलॉजी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। वेरी गुड सर, की वीडियो से ही मैं सारी क्लासेस लेती हूँ। ये हम लोग थानू रोड जा रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन इलाका है। यहाँ लोग शाम में दौड़ते हैं, हम भी दौड़ा करते थे और बहुत बेहतरीन नज़ारा है। मैं आपको ये देहरादून का दिखाता हूँ, टूरिस्ट प्लेस है ये बहुत, थानू रोड। और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जैसा कि हमारी आदत है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। देखिए बहुत खूबसूरत है ये इलाका, अभी थोड़ा वो ब्लर आ रहा है सूरज की रोशनी के कारण। तो इसमें हम बात करना चाह रहे हैं IPL को लेके। आजकल IPL मैच काफ़ी चर्चा में है, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बात कर रहे हैं IPL मैच को लेकर के कि आजकल IPL मैच चल रहा है और युवाओं के लिए बहुत ही मतलब सेंसिटिव होता है IPL मैच, कौन जीता कौन हारा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जो कि चलते चलते घूमते फिरते कुछ GK की बात हो जाए, कुछ इम्पोर्टेंट, ये आपके ज़िंदगी में कहीं पे भी काम आ सकता है। तो IPL के बारे में मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और वो है कि IPL सेशन कब से शुरू हुआ, प्रथम बार IPL सेशन कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और प्रथम बार IPL मैच का फाइनल विनर जिसे कहते हैं वो कौन है, फर्स्ट IPL विनर कौन है, और ये ऑल टाइम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। IPL मैच जो आजकल चल रहा है ये कौन सा सीजन है, मुझे लगता है, मुझे एक अंदाजा है कि IPL मैच की शुरुआत लगता है मुझे कि 2010 या 11 या 12 में गालिबन लगभग शुरू हुई है, मुझे ऐसा अंदाजा है। आप थोड़ा रिकॉल करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, और क्वेश्चन, चूंकि IPL की बात चल रही है तो आप हमें ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा IPL में मैन ऑफ द मैच लेने वाला खिलाड़ी कौन है। ये सारी चीजें आप गूगल में सर्च करेंगे, ये आपको हम वर्क दे रहे हैं, और सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट्स होगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन सारी बातों पे आप जरूर ध्यान दीजिए। कि उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे, पहला IPL में मैन ऑफ द मैच लेने वाला कौन है, फर्स्ट IPL में मैन ऑफ द सीरीज लेने वाला कौन है, फर्स्ट IPL विनर टीम कौन है, और साथ साथ में फर्स्ट IPL रनर टीम कौन है। और सारा देखते रहिए, मजा आता रहेगा। ये इसी को कहते हैं थानू रोड, पूरा जंगल है यहाँ, हाथी रहते हैं, हाथियों का जंगल है। एक्चुअली राजा जी नेशनल पार्क से ये जुड़ा हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क में हम लोग बात कर रहे हैं IPL की, समझ लीजिए। के तो हमने आपके पास 5-7 बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन रखे हैं, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे और साथ साथ में सर्च करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो और क्वेश्चन हम रखते हैं, अभी हाल ही में एक खिलाड़ी नाइट राइडर का लगातार 5 छक्का लगाकर अपने टीम को जिताया, उस खिलाड़ी का नाम आप जरूर बताएंगे क्योंकि ये आपको जरूर आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ही बर्निंग है। और IPL से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं कि IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी अब तक कौन है। इसी के साथ साथ आप बताएंगे
कि आईपीएल में सर्वाधिक रन के साथ साथ आप हमें ये बताइए कि आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सर यानी छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, और आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, ये भी आप, ये सारी चीजें आपको गूगल में मिल जाएगी, गूगल सर्च करेंगे और ये जानते हैं ऑल टाइम क्वेश्चन है, ये आपको काम आएगा। देखिए चलते फिरते एंटरटेनमेंट करते करते नॉलेज अगर आप प्राप्त करते हैं ना, वो नॉलेज कभी भी काम कर जाती है। कौन बनेगा करोड़पति में तो इसी टाइप की नॉलेज काम आती है। तो और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला आईपीएल में, सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला, सबसे ज्यादा चौका लगाने वाला, ये तीन क्वेश्चन है। पहले भी मैंने तीन चार क्वेश्चन दिया है, 7-8 क्वेश्चन हो गया, इसको आप सर्च करेंगे। और आप ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा आउट होने वाला विकेट, क्या कह रहे कि डायरेक्ट बॉल विकेट पे जो लगती है, विकेट से आउट होने वाला, सबसे ज्यादा रन लेते हुए आउट होने वाला, सबसे ज्यादा कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन है। बहुत ही रिमार्केबल है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग थानों का सफर कर रहे हैं, हालांकि हम यहाँ से मुड़ेंगे राइट में, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून का, हम राइट लेंगे यहाँ से, सीधे जाकर के थानों आता है, लेकिन हम सीधे नहीं जाएंगे, यहाँ से राइट लेंगे और आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत जंगल है ये पूरा। यहाँ हाथी है, कभी कभी हाथी यहाँ रोड पे आ जाता है। ये देखिए ये रोड है, ये गाड़ियाँ जा रही है, और इधर से हम सीधे नहीं जा करके ये हम राइट ले रहे हैं। ये राइट जो है ना जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, क्योंकि फिर कभी जब हम आएंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। आपको मैं ये बताऊँ, ये जंगल ना यहाँ पे बंदर बहुत है, देखिए वो बंदर दौड़ रहा है आगे, बंदर काफ़ी है यहाँ पे, और हाथी भी है, छोटे छोटे जानवर है, हिरन भी हमने देखा है यहाँ पे कई बार, हिरन भी दिखते हैं, टाइगर्स वगैरह भी अंदर में है। बहुत ही खतरनाक जंगल है यहाँ पे, मैं आमतौर पे यहाँ वॉकिंग भी करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, हमने यहाँ पे 4 साल दौड़ा है वहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था। तो समझिए ये फिटनेस पॉइंट भी है, बहुत बेहतरीन जगह है ये घूमने की। तो आईपीएल से रिलेटेड और भी अगर आपके पास कई क्वेश्चंस होंगे, मतलब देखिए क्वेश्चंस आप अपने माइंड में सोचिए क्या क्या उभर सकते हैं। अब तक का आईपीएल का सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, ये सारी बातें आपको गूगल से मिल जाएगी, और ये सब ऑल टाइम एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। आईपीएल मैच अभी कहाँ हो रही है ये आईपीएल, और आप बताएंगे फर्स्ट आईपीएल, पहला आईपीएल कहाँ खेला गया था, और आप ये भी बताएंगे कि फर्स्ट सीजन का फाइनल आईपीएल कहाँ खेला गया था। देखिए जंगल कितना बेहतरीन है, इस जंगल का नज़ारा लेते रहिए आप, डर होऊंगा क्योंकि व्लॉग्स के साथ साथ नॉलेज में पार्टिसिपेशन ये आधुनिक युग की मांग है। और आप देखिए ये मोबाइल है ना, आप आपके पास इस मोबाइल का, आप चाहो तो आप मोबाइल को कंट्रोल करो या मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो मोबाइल ही आपको कंट्रोल करेगा, उल्टी सीधी चीज़ें आप देखेंगे और आपका वक्त ज़ाया होगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि टेक्नोलॉजी एक मीन्स है, साधन है, और उसका साधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये खुद आपका इस्तेमाल करने लगेगी। टेक्नोलॉजी आम तौर पे अगर टेक्नोलॉजी का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के। तो भाई टेक्नोलॉजी से एंजॉयमेंट भी हो, मज़ा भी लीजिए, देखिए घूमिए फिरिए, और बातें पढ़ाई लिखाई की हो, एडुकेशन की हो, अंडरस्टैंडिंग की हो, नॉलेज की हो, तो बहुत मज़ा आता है। देखिए अब हम लोग इस रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं, ये देहरादून का एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी मशहूर है, और
मतलब चांसेस है कि ये अभी तो नेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का यहाँ पे चांस है, तो काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट एरिया है। तो कुल मिला के हमने आईपीएल से रिलेटेड बहुत बातें की, और आपके दिमाग में अगर दो क्वेश्चन आता है तो आप भी क्वेश्चन भी लिखेंगे, आप हमसे भी क्वेश्चन लिखिए कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, देखिए पहले आप क्वेश्चन लाएंगे तभी तो आंसर आएगा। तो जितना ज्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है इसका मतलब संभावनाएं हैं कि आंसर भी आएंगे। तो आप सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहा, ये देखिए, ये सारी जो इधर मैं आपको गाड़ी को हल्का मोड़ करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारी जो बिल्डिंग है, ये बॉर्डर, ये सब एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट है ये, करीब करीब 5-7 किलोमीटर में फैला हुआ है, काफी बेहतरीन एरिया है, बहुत खूबसूरत है ये, देखिए। और धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं कि व्लॉग में और ज्यादा कैसे अच्छा किया जाए। आप लोग बताइएगा हमें और क्या करना है, कुछ आप भी सुझाव दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में तो जाहिर सी बात है आपके सुझाव से हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर सुझाव दीजिए और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत रोड है, और चूँकि फ्लाइट आती रहती है, हाँ, हर 10-10 मिनट पे भी आती है, काफ़ी कई बार बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि देहरादून का नाम है, देहरादून एक ऐसा शहर है जहाँ खूबसूरती भी है और साथ साथ में एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है, यहाँ का ऑक्सीजन प्योर है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा एयरपोर्ट का इलाका है, बहुत लंबा इलाका, आज मेरा टारगेट था कि आपको एयरपोर्ट घुमाएं विस्तृत रूप से, किसी दिन थानो रोड आपको और घुमाएंगे हम, ले जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर एक स्पॉट आपको दिखाएंगे देहरादून का। फिलहाल आज एयरपोर्ट का, तो ये पूरा इलाका एयरपोर्ट का है, बहुत लंबा इलाका है, 5-7 किलोमीटर के अंदर में है, 8-10 किलोमीटर मान लीजिए आप मिनिमम, चारों तरफ से 10-10 किलोमीटर का एरिया है, इतना लंबा इलाका है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और ठीक है, कर लेंगे।
आज के जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा और मोबाइल का सही उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी देख रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है, नहीं तो ये मोबाइल आपको गुलाम बना देगा, किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। स्किल्ड बनिए, मोबाइल को यूज कीजिए, ना कि मोबाइल आपको यूज करे। तो ये रहा, कुल मिला करके हम पहुंच चुके हैं भानियावाला देहरादून। ये भानियावाला यहाँ पे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत नामी हॉस्पिटल है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। आपको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से, तो पूरे उत्तराखंड से आते हैं, बहुत नामी है। एक बार जब मैं कहीं खड़ा था तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब होटल में कुछ खाना उना ले रहे थे, हम पूछा आप कहाँ से हैं, कौन हैं, ऐसी बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ बिहार से, कहाँ, हिमालयन में ऑपरेशन के लिए। क्या, अरे वाह, क्यों भाई, तो काफ़ी नामी है, तो काफ़ी नाम है इसका, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे हिमालयन हॉस्पिटल। तो ये है अब भानियावाला में हम आ गए हैं, हम भानियावाला चौक तक आपको लेकर चलते हैं। ये पूरा भानियावाला बहुत खूबसूरत रोड है, ये वन साइडेड इधर है, दोनों टू साइडेड है, पर अभी हमने कैमरा को मोड़ा हुआ है इसलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस साइड का देखिए, डबल साइडेड है, बहुत बेहतरीन रोड बनी हुई है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चूँकि एयरपोर्ट का है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आते रहते हैं यहाँ पे हमेशा। और चलिए, यहाँ पे अब भीड़ भाड़ है, अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो फिर आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको, अफरोज इकबाल ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि ये आपको नॉलेज देता है, एडुकेशनल ब्लॉग है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, तो ये हमारे स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी मतलब कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललिता रावत है, मैं बीए लास्ट ईयर में हूँ, मेरे पास सोशोलॉजी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। वेरी गुड सर, की वीडियो से ही मैं सारी क्लासेस लेती हूँ। और MCQ टेस्ट सीरीज वगैरह करती हो? यस सर। तो जितनी भी वीडियो से MCQ प्रैक्टिस सेट खूब करो। यस सर। चलिए, और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं जॉब कर रही हूँ और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा लास्ट। अरे, जॉब भी कर रही हो आप, ये तो बहुत बड़ी बात है, जॉब के साथ इतनी कम उम्र में आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तो बहुत मतलब ये एक लड़की के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जॉब करने के साथ साथ आप तैयारी कर रही हो, कोई आसान काम नहीं है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जरूर कामयाब होंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सर मेरे को भी टीचर ही बनना है, मैं बीए करके एमए करूंगी, एमए करके बीएड करूंगी। अच्छा, बीए करके एमए और एमए करके बीएड करके फिर आप टीचर बनेंगे, नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, समझे, बीच में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग है आप लोगों का कि आप MCQ और टेस्ट सीरीज जो मेरी जितनी भी वीडियो उसको कैरियर गाइड डॉक्टर फिरोज इकबाल पे उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बच्चे कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, चलिए।